शाम को आया दरवाजे, फिर नाम लिया। जब शाम हुआ तो वह किसान जो है दरवाजे पर आया और नाम लिया किसका? राम का। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। जब सुबह हुआ, जब वह खेतों पर चल दिया काम करने के लिए, तो जाने से पहले वह क्या किया कि एक बार जो है हरि का, राम का जो है वह नाम का वह स्मरण किया। बस केवल तीन बार। कितने बार वह किया? मात्र तीन बार। नारद चकरा गए। ऐसा जब देखे उस किसान को तो नारद जो है आश्चर्यचकित हो गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। भगवान को कौन याद आया? किसान। या विष्णु लोक किसान आया। गए विष्णु लोक। नारद जी कहाँ चले गए? वहाँ से विष्णु लोक को गए। बोले भगवान से, और भगवान से जाकर जो है वे बोले, देखा किसान को, कह रहे हैं कि मैंने जो है वह क्या किया, किसान को जो है वह भगवान का नाम लेते हुए मैंने जो है वह देखा। कितने बार? दिन भर में तीन बार। कितने बार वह नाम लिया? तीन बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी अवश्य दूसरा एक काम आया है। तब जो है नारद जी से भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, एक दूसरा काम मुझे जो है वह याद आ चुका है। उस काम को आपके सिवा दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। उस काम को तुम्हारे सिवा जो है वह दूसरा नहीं कर सकता। साधारण विषय यह विषय कैसा है, यह कार्य कैसा है? ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म कार्य है। लेकिन सूक्ष्म कार्य होते हुए तुम्हारे छोड़कर जो है इस कार्य को दूसरा करने वाला नहीं है। बाद को विवाद होगा, इसके बाद उस कार्य को पहले करके आइए, तब जाकर जो है हम लोग के आपसी जो है वह वार्तालाप होगी। तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा नारद से कि हे नारद, आप इस कार्य को जो है वह पूरा करके आइए। तैल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। भगवान विष्णु ने उन्हें तेल से भरा हुआ बर्तन उन्हें दे दिया और नारद से कहा उन्होंने कि आप इसका प्रदक्षिणा करके, इसकी परिक्रमा करके भूमंडल की आप आइए। ध्यान रहे सब विशेष, विशेष रूप से ध्यान रहे। क्या चीज का? एक बूंद भी इससे तेल न गिर पाए। तेल जो है इस पात्र से, इस बर्तन से एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकर चल नारद जी, लेकर चले नारद जी आज्ञा पर घृत लक्ष्य। भगवान विष्णु के आज्ञा के अनुसार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नारद जी जो है उस पात्र को लेकर तेल से भरा हुआ चल दिए। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरा नहीं। उस बर्तन से पर्यटन जब करके आए, परिक्रमा करके, तो उस समय में उनके बर्तन से एक बूंद भी तेल जो है वह नहीं गिरा। जोगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। जोगी राज क्या किए? विश्व पर्यटन करके, अर्थात विश्व का परिक्रमा करके जो है वे लौट गए। कहाँ पर लौटे? बैकुंठ को। तेल के एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं।
उल्लास मन में भरा था। उनके बर्तन से एक बूंद भी तेल नहीं गिरा था। उन्हें इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने जो यह कार्य किया विष्णु के आज्ञा के अनुसार, मैं उसमें सफलता को प्राप्त कर गया। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद जी को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया आसने से। जब इस तरह की बात आई तो जब वैकुंठ को नारद जी पहुँचे तब भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्हें स्नेह से जो है वह बैठा दिया।